इंग्लिश क्लास आज हम नरेशन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़े थे नरेशंस का इंट्रोगेटिव, कुछ रूल्स बाकी रह गया था बट मोस्ट ऑफ द रूल्स हम लिख लिए थे, तो और एक बार लिख लेते हैं। हाँ, कल का भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे, हाँ वो भी बोले सर और एक बार पढ़ लेंगे। तो नरेटिव माना इंट्रोगेटिव में क्या रूल रहेगा, वही रिपोर्टिंग स्पीच, वही रिपोर्टेड स्पीच सेम है, सिर्फ हमको जो दैट का माना सिंपल थोड़ा दैट जो यूज कर रहे थे दैट के जगह में अगर ई पर हमारा यस और नो इंट्रोगेटिव है तो हम यहाँ ई पर वेदर यूज करेंगे। कहाँ पे ई होगा, कहाँ पे वेदर होगा, कुछ कुछ रूल्स रहेगा, फिर उसे रिव्यू करके निकलते हैं, है ना। तो लिख हाँ फिर एक बार फिर कल का पूरा क्लियर नहीं होता जो हमने इंट्रोगेटिव का किए थे, और सिंपल सेंटेंस का भी कुछ रूल्स है, रूल्स तो खत्म हो गया तो कुछ क्वेश्चंस है इसमें भी रूल निकलेगा ना, ये भी फिर करेंगे, है ना। तो लिख लीजिए इंटरोगेटिव ऑफ नरेशन, नहीं नहीं इंपोर्टेंट तो सब कुछ है, हमको इंपोर्टेंट देना है, कितना इंपोर्टेंट देना है ये हम पे डिपेंड करता है, इंपोर्टेंट तो हर पढ़ाई मतलब इंपोर्टेंट है, है ना। तो इंट्रोगेटिव ऑफ नरेशन तो रूल्स क्या क्या लिखे थे, जैसे हम लिखे थे लिख लीजिए यहाँ पे रहेगा डायरेक्ट, जैसे का लिखे थे हाँ इनडायरेक्ट, हाँ मैं भी जो जो स्टूडेंट्स कल थे आज के रूल उनको रिपीट भी लग सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट नया भी हैं उनके लिए हेल्प होगा ये भी, है ना। एनीवे तो ट्राई कीजिए, माने जो कल पढ़े थे कहाँ पे छूट गया और आज उसको निकालना है ना। तो डायरेक्ट में जैसे हम वहाँ पे यूज किए थे रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ भी वही होगा रिपोर्टिंग स्पीच, हाँ पहले ऐसा करते हैं रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग को चेंज करते हैं उसके बाद रिपोर्टर को जाएंगे, नहीं तो स्पेस नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पहले रिपोर्टिंग स्पीच, हाँ इंट्रोगेटिव मतलब ये तो कंफर्म है कि यस और नो इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव, तो हमको ध्यान देना यहाँ पे यस और नो इंट्रोगेटिव दिया है या डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव दिया है, क्लियर। तो जब हम चले जाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, हाँ तो दो टू चीज रहता है, तो यहाँ पे आइदर से है या सेस टू है, ध्यान देना, हाँ क्लियर है ना। अगर सेंटेंस में सॉरी सॉरी से है या से टू है, सेस है या सेस टू है, मैं रिपोर्टिंग को रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, हाँ फिर रिपोर्टेड को जाएंगे, ध्यान देना सेस टू, हाँ उसके बाद सेड है या सेड टू है, ये ध्यान देना, ये माने हमको मिलेगा डायरेक्ट में, हाँ ये कौन सी है रिपोर्टिंग की रिपोर्टेड है, रिपोर्टिंग जो बोल रहा है, जो बोलने वाला है, क्या बोल रहा है नहीं है, जो बोल रहा है हमको, हाँ एनीवे तो यहाँ पे रिपोर्टेड जो चेंज करेंगे से जो होगा ये कौन सी चेंज चल रहा है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, हाँ यहाँ जो से दिया है यहाँ हम आक्स लिख सकते हैं, यहाँ से टू दिया भी तो आक्स लिखेंगे, ये चेंज नहीं होगा, मैं कल भी बताया था ये ना, शेष है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आक्स यहाँ पे, अच्छा वन मिनट, हाँ आक्स है ये हो जाएगा आक्स और यहाँ भी हो जाएगा आक्स, देखो ये चेंज नहीं हो रहा है आक्स है बोलकर, यहाँ भी सेड है तो यहाँ हम यहाँ लिखेंगे आक्स और ये हो जाएगा आस्ट, क्लियर तो ओके डाउट नहीं, बस तो ऐसा तो नहीं है कि आस्ट ही वर्ड यूज करेंगे, दूसरा भी तो वर्ड एग्जाम में दिया होगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आस्ट को छोड़ के और कौन सी वर्ड आ सकता है ये भी ध्यान देना है, हाँ तो आस्ट तो इट्स ओके, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आस्ट जानते हैं कुछ इंट्रोगेटिव हमारा आस्ट का आता ही है, पर आस्ट ही आएगा ये तो नहीं है, क्लियर तो मिटा दें ओके ध्यान देना ये रहेगा, लेकिन आस्क के अलावा और कौन कौन सी वर्ड आ सकता है इसको भी ध्यान देना है ना। हाँ बिल्कुल आस्क तो आएगा लेकिन आस्क ही आएगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये भी ध्यान देना है, हाँ जैसे यहाँ पे से दिया है तो हम यहाँ इंक्वायर भी यूज कर सकते हैं ई एन क्यू यू आई आर ई, अगर से टू है तो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है आस्क अगर यूज कर रहे हैं सेम है, ऑब्जेक्ट के साथ भी वो आक्स ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के बिना भी आक्स ही रहेगा, लेकिन अगर दूसरा वर्ड यूज किया जा रहा है
तो ओनली इंक्वायर नहीं लाएगा, वहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर के साथ ऑफ भी लाएगा, ये ध्यान देना है। हाँ, ये लिखेंगे हम इंक्वायर ऑफ, ये ई दिखाई दे रहा है तो अच्छा ठीक है, वन मिनट। हाँ बिल्कुल, ये तो एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां हर कुछ कंफ्यूजन क्लियर करना ही हमको। ई एन यू यू आई आर ई आर, हाँ आप जो भी करना है करो, बट ये तो रहना ही रहना है, आप प्योन से लेके सिविल एग्जाम तो यही रहेगा, दूसरा चेंज ही नहीं है, है ना। तो इंक्वायर इंक्वायर ऑफ, हाँ ये से था बोलकर, ये थर्ड पर सिंगुलर रहेगा तो ये हो जाएगा इंक्वायर्स, और ये हो जाएगा इंक्वायर्स ऑफ, हो गया। तो ये जरा मिला दो, हो गया। सैड है, ये क्या हो जाएगा इंक्वायर्ड, ये हो जाएगा इंक्वायर्ड ऑफ, क्लियर। तो सिर्फ इंक्वायरी वर्ड होगा ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत सारा वर्ड है, तो ये भी निकाल देते हैं। जैसे आक्स की, आक्स में लेकिन ऑफ लगेगा नहीं, ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, ध्यान देना बेटा, क्लियर। ये ऐसा ही रहेगा, चेंज क्या करेंगे, डायरेक्ट को चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट कर क्या, इतना ही है ना, तो हम वो भी चेंज करते हैं। हाँ, तो एक हो गया आक्स इंट्रोगेटिव में, एक हो गया इंक्वायर, हाँ और क्या क्या आ सकता है, हाँ कल भी बताया था ये डिमांड, हाँ डिमांड आ सकता है, डिमांड और क्या दिखते हैं, क्या क्या आ सकता है, हाँ दोनों डिवाइड कर देते हैं। अगर सेंटेंस में से है तो हम डिमांड भी यूज कर सकते हैं, डिमांड डिमांड ऑफ यूज कर सकते हैं, क्यों डिमांड लिखा, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के कहां पे प्लूराल में है, ये शेष लगा सिंगुलर आ गया, ध्यान देना। हाँ ये शेष है तो क्या लिखेंगे, डिमांड्स, ये क्या हो जाएगा डिमांड्स ऑफ, है ना, ये जो सेड है ये लेकिन डिमांडेड हो जाएगा, क्यों पास्ट में आ गया, पास्ट ही सब टेंस चेंज करता है, पहले से बोले हम, है ना, एक्सेप्शन है बिल्कुल, अगर हम एबिचुअल एक्शन यूनिवर्सल परमानेंट इटरनल ट्रूथ हो जाएगा तो ये पास्ट होने से भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये तो एक्सेप्शन नहीं है, है ना। एनीवे सेड क्या हो जाएगा, यहाँ डिमांडेड, यहाँ हो जाएगा डिमांडेड ऑफ, हो गया। टाइम को देख के 7 मिनट्स हो गया, देख हाँ निकल जा रहा है, टाइम तो अपना काम कर रहा है, हमको भी हमको काम करना है ना, ना? तो ओके, सिर्फ डिमांड ही होगा, इंक्वायरी होगा, आस ही होगा, ऐसा तो नहीं है, और एक भी वर्ड आ सकता है, ये हो गया वांटेड टू नो, पास्ट में होगा तो वांटेड टू नो, प्रेजेंट में होगा तो वांट टू नो, अगर प्लूराल में है तो, सिंगुलर होगा तो वांट्स टू नो लिखना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑफ लिखना पड़ेगा, ये भी लिख लेते हैं, हाँ बुरा समझेगा नहीं तो, है ना। एनीवे तो ये क्लियर हो रहा है ना, कौन कौन सी वर्ड यूज करें, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ वन टू नो, वन टू नो ऑफ, ये दोनों लिख रहा हूं क्यों, ये वन टू नो इसके लिए है, वन टू नो ऑफ इसके लिए है, इतना ध्यान दे। हाँ ये जो शेष है यहाँ हम लिखे, हाँ बिल्कुल, ये लिखेंगे वन टू नो, ये लिखेंगे wants to know of, wants to know of, हो गया। तो हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगर टाइम नहीं होगा तो, लेकिन अच्छे से जाते हैं। हाँ शेयर का क्या हो जाएगा, wanted to know, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट कर देंगे, हाँ wanted to know, ये हो जाएगा wanted to know of, हो गया अच्छे से, अच्छा आराम से ध्यान दीजिए। हाँ हमारा हुआ है फिलहाल 9 मिनट्स, हाँ तो कुछ कुछ रूल्स है, कार्ड भी कुछ किए थे आज, फिर उसके रिवाइज कर देंगे, सुविधा हो जाएगा, कोई नए स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं, है ना, उनको भी नहीं तो जान नहीं पाएंगे ना, तो पढ़ाई का मतलब नहीं होगा, हर को सीखना है ना, ध्यान देना।
तो कहां पे वांट टू नो हो रहा है, कहां पे वॉब लग रहा है, लेकिन ये ऑफ आस के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी हमको ध्यान देना है। क्लियर तो ओके बेटा दे शाबाश। अब हम और एक रूल को चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना डब्ल्यू एच वार यस एन एन टू, ये भी है, लिख लेते हैं ये भी। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम होगा, ये तो रिपोर्टिंग का चला गया। हाँ, रिपोर्टेड। हाँ, ये तो रिपोर्टिंग का काम खत्म कर दिए, दो रहता है ना, एक रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टेड रहता है। अब हम रिपोर्टेड हो जाएंगे, रिपोर्टेड में क्या होने से हाँ हम ये यूज करेंगे। हाँ, ज्यादा चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर रिपोर्टेड में ध्यान देना डायरेक्ट के रिपोर्टेड में, हाँ रिपोर्टिंग का क्लियर हो गया ना। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच क्लियर। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच। हाँ हाँ, जा हैंडराइटिंग वाला है, स्पेस कम है, दिखाई नहीं देगा, इसलिए डिवाइड कर दी पूरा पार्टीशन। हाँ, तो यहाँ पे सोच लीजिए सेंटेंस में दिया है ईच एम आर वॉच वेयर, ध्यान देना हैड और कैन मैन सेल विल would might should would और must। हाँ, अगर ये है ध्यान देना इंट्रोगेटिव में, अगर हम और एक डू डज डिड भी हो सकता है, डू डज डिड। अगर ये है रिपोर्टेड में, रिपोर्टिंग में नहीं होगा, रिपोर्टेड में होगा, ध्यान देना। तो हम यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे और एक चीज बना देता हूँ, क्या लगा देते हैं दैट यहाँ पे, लेकिन दैट नहीं लगाना है, ध्यान देना। हाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव का अगर स्पीच रहेगा, माने हमारा डायरेक्ट इंटरफेयर, अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहेगा, अगर ये सेंटेंस में इज एमआर माने यस और नो इंट्रोगेटिव रहेगा, इज एमआर वाज वेयर हैव हैड कैन मैं माइट या डू डज डिड वो सब रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम दैट के जगह में, हाँ मैं लिख दे रहा हूँ That, जो लगाते थे that को रिमूव करके वहां पे हम if और whether यूज करेंगे, समझ आए नहीं, डब्ल्यू एच टी एच लिख दिया। हाँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है हाँ ज्यादा समझ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये छोटा जगह रहेगा। हाँ, यहाँ पे हम दैट को यूज नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव मीन दैट को काट देना है, इस दैट को रिमूव कर देना, इसमें इफ और वेदर यूज करेंगे। हाँ, ध्यान देना, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ जो है हाँ, ये तो टेंस जो होता है प्रेजेंट का पास हो जाता है, और पास्ट का एक टेंस छोड़ के दूसरा होता है, ये तो हम रूल पढ़े थे जैसा है वही रूल। हाँ, यहाँ पे लेकिन ध्यान देना, पहले हम क्या करते हैं सब्जेक्ट, उसमें एक्जुलरी वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये सब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिया होगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ जब हम इनडायरेक्ट करेंगे यहाँ पे भी, हाँ रिपोर्टेड में इनडायरेक्ट में ये सब दिया होगा, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे पहले क्या करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ, ध्यान देना इंट्रोगेटिव होने के बाद भी सब्जेक्ट, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्यों बताया, इंट्रोगेटिव है पहले एक्जुलरी वर्ब होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है डायरेक्ट में डब्ल्यू एच वर्ड अगर रहेगा या यस और नो इंट्रोगेटिव अगर रहेगा तो हम उसे क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। हाँ, अगर डायरेक्ट में क्वेश्चन मार दिया होगा तो इनडायरेक्ट में हम उसे फुल स्टॉप ही बनाएंगे। तो फुल स्टॉप का मतलब क्या है, पहले सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, ये जरा से हम ध्यान देना और कुछ चेंज नहीं है। ओके, और जैसे वह व्हाट आर यू डूइंग नहीं करेंगे, व्हाट के बाद आर नहीं आना चाहिए या इज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस व्हाट आई एम डूइंग होगा। हाँ, ये बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर लगाना है
डब्ल्यू एच वर्ड हो, जो भी हो, पहले हमको सेंटेंस में एक जो बाहर नहीं आना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, इतना कन्फर्म है ना। ओके, ये हो गया हमारा ई पर वेदर। लेकिन ई पर वेदर कैसे जाने, कहाँ पे लगाएंगे, ये भी क्वेश्चन है टाइम के साथ। हाँ एनीवे, तो चले जाते हैं और। हाँ, अगर सेंटेंस में ध्यान दो, हाँ यहाँ ये क्लियर हो गया। यहाँ पे और एक चीज रहेगा, ये रिपोर्टेड में, हाँ बेटा दो, डाउट होगा तो फिर क्लास करेंगे, क्योंकि हमारा काम है डाउट क्लियर करके एग्जाम को जाना, वहां पे लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान देना, और नॉट बोलकर एक वर्ड आएगा, ध्यान देना डायरेक्ट में, तो जब इनडायरेक्ट करेंगे, जो भी चेंज करना है तो कर लेंगे, पहले से जो बताया। यहां जो यूज करेंगे वहां पे सी वेदर होना चाहिए, और ये यस और नो इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए, यस और नो इंट्रोगेटिव अगर होगा तो जाके हम ई पर वेदर यूज करेंगे, और नॉट अगर होगा तो ओनली वेदर यूज होगा। ध्यान दिया, यस और नो इंट्रोगेटिव होने से ही हम ई वेदर यूज करेंगे। ओके, और एक क्वेश्चन आता है, ईप कहाँ पे लगेंगे, वेदर कहाँ पे लगेंगे। अगर सेंटेंस में और नॉट है तो वेदर ही लगेगा, अगर और नॉट नहीं है ईप भी चलेगा वेदर भी चलेगा, समझे। तो क्या बोला, अगर इंट्रोगेटिव है यस और नो इंट्रोगेटिव तो ही यस और नो, सॉरी यस और नो इंट्रोगेटिव है तो हम ईप भी लगा सकते हैं वेदर भी लगा सकते हैं, किसके जगह में, दैट के जगह में, कहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो, कौन सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो। क्लियर, और एक बात, ये तो हो गया यस और नो इंट्रोगेटिव, ई पर वेदर लगाएंगे। यहाँ पे और एक कंडीशन आ जाता है, वेदर कहाँ पे लगाएंगे, ईप कहाँ पे लगाएंगे, अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में किसका, डायरेक्ट का, अगर और नॉट दिया होगा तो ही वेदर लगेगा, अगर और नॉट नहीं दिया है, अगर और नॉट दिया है तो ये लगेगा, अगर और नॉट नहीं दिया है तो ईप भी चलेगा वेदर भी चलेगा, बट यस और नो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया। फिर और एक इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव में ईप भी नहीं लगाना वेदर भी नहीं लगाना। ओके अंडरस्टूड, मैं भी लिख लेता हूँ। टाइम क्या है, टाइम 17 मिनट्स हो गया। हाँ एनीवे, चलेगा, खत्म करूँ तो ईप वेदर कहाँ पे लगाएंगे, और यस और नो इंट्रोगेटिव होना चाहिए, अगर और नॉट नहीं है तो ईप भी चलेगा वेदर भी चलेगा, अगर और नॉट होगा तो ओनली वेदर चलेगा, ओनली वेदर चलेगा या दौड़ेगा। क्लियर, अगर हम नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे जो यस और नो इंट्रोगेटिव कर दिए उसको हम डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव पे बता देते हैं। हाँ, वही सेम है। हाँ, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव से डब्ल्यू एच वर्ड का स्किच रहेगा, माने डब्ल्यू भी स्टार्ट होता है, एच भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ, अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड में व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, व्हेयर, व्हिच, हाँ ये सब अगर डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे हाउ, समझ में, हाँ ये सब अगर चीज है तो यहाँ पे हम इफ, वेदर कुछ भी यूज नहीं करेंगे, दैट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब दैट दुश्मन करता है ना। और यहाँ जो चलेगा, मैं जैसे बोला था, पहले सब्जेक्ट, एक्जिलरी भाव, मैन भाव, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। क्लियर, जैसे वही रूल सेम है, सिर्फ यहाँ से कुछ चेंज है। ओके, यस और नो इंट्रोगेटिव होगा तो ईप वेदर यूज करना है, ओनली वेदर यूज करेंगे अगर और नॉट होगा, ये अगर है तो बिल्कुल ईप भी नहीं लगाना है वेदर भी नहीं लगाना है। क्लियर, तो होते तो इतना ही रूल है, तो हम एक दो रूल आज जो पढ़े यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ अगर डाउट है तो लिख लीजिए आराम से, फिलहाल हमारा टाइम है 19 मिनट्स, हम फिर भी 10 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, है ना, आराम से देख लीजिए। What, why, who, when, where, which, how, अगर है तो हम, when क्या है वो तो टाइम को भी बताता है, वह जगह को बताता है, तो एडवांस में फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, जहाँ जो पढ़ रहे हैं उसको फोकस करना है, नहीं तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा। जल्दी जल्दी ओ, तो हम जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ,
फास्ट क्वेश्चन हो गया आज का, माय अंकल सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, है ना, इतना ही है ना, ध्यान दीजिए। माय अंकल सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, हाँ, अगर ये और आर यू डूइंग नाउ होता तो अलग हो जाता, लेकिन डब्ल्यू आर भी है, ये तो आर भी है, डब्ल्यू आई वर्ड भी है ना, ये भी ध्यान देना है, डब्ल्यू आई वर्ड आ गया तो हम, और हमारा क्वेश्चन मार्क भी दिया है, फिर डायलॉग का भी लिखेंगे बाद में। हाँ, तो माय अंकल सेड टू मी, माय अंकल मुझे बोले कहाँ जा रहे हो आप, तो अगर कोई बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो आप, तो ये क्या है, ये तो बोल नहीं रहे ना, पूछ रहे हैं, हाँ, इसका काम होता है पूछना, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोगे दे दिया, तो सेड तो दिया है रिपोर्टिंग में, उसको हम चेंज करेंगे, बहुत सारा वर्ड है, जैसे हम लिखे आस भी यूज कर सकते हैं, इंक्वायर भी यूज कर सकते हैं, डिमांड भी यूज कर सकते हैं, वांट टू नो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पास है तो पास की फॉर्म में चेंज करेंगे, ये भी ध्यान देना है, क्लियर है ना। तो माय अंकल सेड टू मी, तो माय अंकल मुझे बोले कहाँ जा रहे हो कि पूछे, ये तो ध्यान, मैं बोल रहा हूँ लेकिन पूछने पूछे बोलकर लिखेंगे ना, तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ हम दूसरों को बताएंगे कि मेरे अंकल मुझे पूछे मैं कहाँ जा रहा हूँ, हाँ, ये जो व्हाट आर यू डूइंग है, पहले एक्जुलरी भाव आएगा, नहीं पहले बोल रहा हूँ, पहले हमको सब्जेक्ट को निकालना है, फिर ये सब्जेक्ट क्या होगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में तो सब्जेक्ट होगा, ये तो हर बात ध्यान देना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये हर बात दिमाग में रखना है, अगर ये भूल गए तो खत्म, क्योंकि ये रूल हर में काम आएगा, है ना, अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, रिपोर्टेड का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का, ध्यान देना, ये जो सेकंड पर्सन है सिंगुलर हो या प्लूरल हो डजंट मैटर, हाँ, कोई भी मतलब नहीं है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो, ये जो एसओ एन सन है ना, वो बेटा को बहुत ज़्यादा से ध्यान देना है, हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान देना है उसको, नहीं तो खाता, क्लियर। तो यहाँ पे दिखना है क्या है सेकंड पर्सन, ये तो बात की बात है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे दिया है माय अंकल सेड टू मी, माय अंकल आस्क्ड मी, एक हैबिट होता है स्टूडेंट का, दैट लगा देते हैं, यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, ये क्या लगाएंगे, डब्ल्यू आई वर्ड है, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना वेदर, नेदर और इफ, नॉर वेदर, नॉट दैट, कुछ भी नहीं लगाएंगे, है ना। तो माय अंकल आस्क्ड मी, कुछ भी नहीं, क्या होगा, माय अंकल आस्क्ड मी, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एज एट दी वर्ड यूज करेंगे, डब्ल्यू वर्ड होगा, चेंज नहीं होगा, हाँ, माय अंकल आस्क्ड मी व्हाट, हाँ, ये जो आर यू डूइंग है, इसको हम चेंज करेंगे, पहले आर लगेगा, नहीं पहले बताया हूँ, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हाँ, तो आर यू डूइंग कौन सी टेंस है, ये पहले समझते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग भार हमारा पास्ट टेंस में दिया है, क्लियर। तो माय अंकल आस्क्ड मी व्हाट, हाँ, व्हाट तो लिखिए, आर लिखेंगे नहीं, एक्जुलरी भार है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये जो यू है ना, ये यू सेकेंड पर्सन है, ये हो जाएगा मी, तो ये लेकिन सब्जेक्ट है, तो मी को मी, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये लेकिन सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए उसे भी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी को सब्जेक्ट बनाने से क्या हो जाएगा, आई, क्लियर। तो फिर मी लिख देंगे तो रंग हो जाएगा, ये भी ध्यान देना। तो माय अंकल आस्क्ड मी व्हाट आई आर यू डूइंग लिखा था, आर डूइंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, हम करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव, आई यू वाच डूइंग, क्लियर। ये नाउ जैसे हम सिंपल सेंटेंस में करते थे देन देन, हाँ, लेकिन ये देन तब होगा अगर ये रिपोर्टिंग बार पास्ट टेंस में है तब, नहीं तो नहीं, क्लियर। माय अंकल आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन, अंडरस्टूड, डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, हाँ, तो ध्यान देना है। तो माय अंकल आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देन, हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, टाइम 24, हाँ, टाइम है आज, इसको फिर कल हम क्वेश्चन रिव्यू करेंगे, आज जो कर रहे हैं, लेकिन अलग क्वेश्चन करेंगे, हाँ, तो जब हम जितने पढ़ेंगे इतने सीख पाएंगे, जितने पढ़ेंगे इतना कंसेप्ट क्लियर होगा,
फिलहाल भी लॉकडाउन शटडाउन का सिचुएशन निकलने लगा है, तो इसका हम एडवांटेज लेंगे, बेकार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसका। माने वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ द टाइम। हाँ, एडवांटेज ऑफ बताया था एक बार। हाँ, एनीवे तो और एक लिखिए, माय मदर सेड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश, है ना? जानते हो क्या होगा? माय मदर सेड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश, माँ मुझे बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। माय मदर सेड टू मी कैन यू स्पीक इंग्लिश, माँ मुझे पूछ रहे हैं तुम इंग्लिश बोल सकते हो क्या। फिर हम लिखेंगे माँ मुझे, फिर हम दूसरों को बोलेंगे ना, ये तो है, माँ मुझे बोल रहे हैं, लेकिन ये जाके मैं दूसरों को बोल दूंगा, मेरे माँ मुझे पूछे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ क्या, चुगली खत्म। हाँ, तो यही तो काम है, इंदिरा का क्या काम है, माँ मुझे बोल रहे हैं, बोल करो मुझे कैन यू बोले हैं, लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा या और किसी को बताऊंगा तो यू थोड़े ना होगा, ये तो चेंज हो जाएगा, यू थोड़े ना होगा, माँ मुझे पूछे तो इंग्लिश बोल सकता है क्या, है ना? तो बोल सकता है कि नहीं सकता है, हमारा जो बात है ये दूसरे को बताना है, खत्म। इंटरनेट, हाँ, कनेक्टिव नेटवर्किंग। तो ये लिखा हो गया हमारा माय मदर, ये जो सेट टू है क्या हो जाएगा, आज तो लिख चुके हैं और क्यों आज लिखेंगे, इसका भी माने वही हो जाएगा। और एक बार लिख सकते हैं इनक्वायर, ENQUIRED, लेकिन यहाँ पे और एक वर्ड यूज करेंगे क्योंकि सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो माय मदर सेड टू मी, अगर टू है तो ऑब्जेक्ट है ही है, कंफर्म, है ना? तो माय मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी हो गया, ये मोडल वर्ब्स है। तो मोडल वर्ब्स यस और नो इंटरोगेटिव होता है, कैन यू, यस और नो में कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस, कैन यू स्पीक इंग्लिश, नो, अगर बोलने से तो नो बोलेंगे, अगर बोलते यस बोलेंगे। तो जहाँ पे यस और नो में आंसर खत्म हो सकता है दैट इज यस और नो इंटरोगेटिव, और जहाँ पे हमको आंसर देना पड़ेगा दैट इज WH वर्ड इंटरोगेटिव। व्हाट आर यू डूइंग, यस, व्हाट आर यू नोइंग, नो, ये क्या है? तो यहाँ पे हमको ध्यान देना, ट्राई कीजिए आप, हाँ ट्राई जल्दी कीजिए, बी क्विक, जल्दी जल्दी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, माय मदर इंक्वायर ऑफ मी, जल्दी कीजिए, माय मदर इंक्वायर ऑफ मी, आप बताएंगे ना, माय मदर इंक्वायर ऑफ मी कैन यू स्पीक इंग्लिश, पहले भाव आएगा नहीं, पहले बोला हूँ, पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएगा, हम चुगली कर रहे हैं, इनडायरेक्ट को जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो माय मदर इंक्वायर ऑफ मी, चुगली करेंगे तो दूसरे के बारे में बोला जाएगा ना, तो यू कहाँ आएगा, सेकेंड पर्सन आएगा ही नहीं, थर्ड पर्सन आना ही आना है, क्लियर? हाँ, तो माय मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, यस और नो इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे देर तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन इफ या वेदर कुछ तो यूज होगा, क्या होगा, इफ होगा कि वेदर होगा, हाँ, अगर सेंटेंस में WH वर्ड नहीं है, यस और नो इंट्रोगेटिव है और नॉट नहीं है, तो इफ भी चलेगा वेदर भी चलेगा, क्लियर? तो क्या लिखेंगे, माय मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ और वेदर, आप यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ, यू मैं यूज आदर, हाँ आदर इफ और वेदर, दोनों नहीं, हाँ कर सकते हैं, ध्यान देना, कहाँ कहाँ पे ओनली वेदर होगा ये भी पढ़ेंगे। हाँ, तो माय मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ और वेदर, ये यू क्या है, सेकंड पर्सन, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लेकिन ऑब्जेक्ट है, ये लेकिन सब्जेक्ट है ना, तो ये आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, हाँ, फिर क्या हो जाएगा, ये बोला कैन यू स्पीक, आई कैन क्या हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग बाय पास्ट टेंस में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये तो गाना चलता ही रहता है ना, तो ये ध्यान देना, फिर कुड कैन नहीं कर देना, है ना? तो माय मदर इंक्वायर्ड ऑफ मी ई पर वेदर आई कुड, हो गया क्लियर, आई कुड, ये क्या है, स्पीक होगा कि स्पोक होगा, हाँ, मोडल वर्ब में ओनली वर्ब वन यूज होगा, पैसिव हो जाने से अलग फॉर्म है, ये बात की बात है, यहाँ पे दूसरा को चले नहीं जाना, वो भी भूल जाओगे, है ना? आई कुड स्पीक इंग्लिश, हाँ, तो यहाँ पे
पहले बाहर वाले पहले सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट आ गया ना, तो अगर डायरेक्ट में इंट्रोगेटिव देगा तो इनडायरेक्ट में उससे फुल स्टॉप बनाएंगे। कब होगा? जब सब्जेक्ट पहले आएगा तो फुल स्टॉप होगा ना। तो आई अगर कूड़े बोल देंगे संडा सनाम हो जाएगा, देर लगा देंगे तो भी भरवांग हो जाएगा, ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे ईब भी चलेगा, वेदर भी चलेगा, ध्यान देना। तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, ओके। टाइम कितना हो गया? 30। फिर भी हमारे पास और 2-4 मिनट्स है, टाइम के साथ जाना है। हाँ, ट्राई कीजिए। मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, या कोई डाउट होगा मुझे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब कहाँ भी कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, माय टीचर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क और नॉट, ये जरा ध्यान दीजिए, है ना। माय टीचर सेड हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क और नॉट, हाँ ध्यान दीजिए। आप ये आप खुद ट्रैक कीजिए, बताएंगे आराम से। इजी है, आपको दिखना है पास्ट टेंस रिपोर्टिंग भार को दिखना है, रिपोर्टिंग भार भी डिटरमिन करेगा पूरा सेंटेंस को, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हो गया, ध्यान देना, क्लियर हो जाए जल्दी। हो गया, मैं बता देना सर, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। माय टीचर सेड, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बताया था। अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो उससे हम आइदर थर्ड पर्सन ले सकते हैं या फर्स्ट पर्सन ले सकते हैं, सेकंड पर्सन ले नहीं सकते, लेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। ध्यान देना, माय टीचर सेड क्या लिखेंगे, सेड लिखेंगे, टोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो हमको जानना है। हाँ, यहाँ माय टीचर वॉन्टेड टू नो, है ना, समझ में आ रहा है कि वॉन्ट टू नो पास्ट में है, वॉन्ट टू नो की वॉन्ट टू नो की वॉन्टेड टू नो पास्ट में है, माई टीचर वॉन्टेड टू नो ऑफ में लिखना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, तो माई टीचर वॉन्टेड टू नो, ई पर वेदर, ई भी चलेगा, वेदर भी चलेगा, नहीं चलेगा यहाँ पे, ई पर वेदर दोनों नहीं चलेगा, दोनों में एक चलेगा लेकिन ई भी नहीं चलेगा, लेकिन वेदर तो चलेगा ना, और नट दिया है, ई भी नहीं चलेगा लेकिन वेदर यहाँ चलेगा, वेदर यहाँ फ्रेंडशिप कर सकता है क्योंकि और नट का दोस्ती करता है वो, है ना। ट्राई कीजिए, माय टीचर सेड होगा, आस्क होगा, इंक्वायर आराम से होगा, डिमांडेड भी हो सकता है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम इंक्वायर यूज कर सकते हैं, ध्यान देना। इंक्वायर कर दिया है, वांट को जाते हैं, है ना, ध्यान देना।